शाजापुर के काला पीपल में कोविड केयर सेंटर शुरू करने के लिए स्थानीय विधायक कुणाल चौधरी ने 25 लाख रुपए विधायक निधि से देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि क्षेत्र में कोविड सेंटर नहीं है, जिसके चलते कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट होना पड़ रहा है या फिर बाहर जाकर इलाज करना पड़ रहा है, जिससे परेशान लोग क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हमारी जिले की बैठक में इसी के ऊपर चर्चा करी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कई दिनों से कि जो ग्रामीण में अंदर जिस प्रकार से कोरोना के विस्फोट होने की संभावना है और जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काला पीपल के अंदर दो जगह, काला पीपल प्रॉपर के अंदर और बोलाय के अंदर दो जगह पर अस्थायी रूप से कोरोना के जो कोविड केयर सेंटर है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, जिसके अंदर बेहतर रूप से डॉक्टर की व्यवस्था हो और सही तरीके से इनकी व्यवस्था करी जाए, कम से कम 200 बेड दोनों जगह करे जाए। और इसके लिए मैंने अपनी विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए का उनको कहा है कि आप आश्वस्त रहे कि जिस जगह इंजेक्शन की जरूरत लगे, जिस जगह आपको ऑक्सीजन की जरूरत लगे, जिस जगह आपको उपकरण की जरूरत लगे, हमारी विधायक निधि भी तैयार है। पैसे की कोई कमी जनता के इलाज में नहीं आना चाहिए और आज तय हुआ है कि कहीं ना कहीं दो जगह पर अस्थायी रूप से यहाँ पे कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे और जिसके अंतर्गत यहाँ पे हम लोग बेहतर इलाज जनता को मिल पाए, क्योंकि लगातार जनमानस परेशान हो रहा है। गांव से लोग जाते हैं शहरों के अंदर और बार बार एक व्यक्ति के साथ तीन तीन चार चार जा रहे हैं और संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक गांव में टेस्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब तक उनके इलाज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आगे आएगी।